तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब 2023 का सितंबर मैं फिर कह रहा हूँ मार्वलस रहने वाला है, मेमोरेबल रहने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत इस साल की नंबर वन ग्रॉसर जाइंट मैमथ ब्लॉकबस्टर जवान ने करी थी। और जैसा कि 2023 कमबैक ईयर के रूप में जाना जा रहा है सभी बड़े बड़े स्टार्स के लिए, सभी बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर कमबैक ले रहे हैं, तो अक्षय पाजी भी यहाँ से अपनी हाजिरी दर्ज कराना चाहते हैं। और रणवीर कपूर तो धमाका लेकर पहले से ही तैयार बैठे ही बैठे हैं। ये बंदा इंसान नहीं जानवर बन के आ रहा है इस बार बॉलीवुड का इतिहास बदलने के लिए। जी दोस्तों, सितंबर एंड में दो बिग इवेंट होने वाले हैं। एक अक्षय पाजी की मूवी मिशन रानीगंज का ट्रेलर आना है, तो दूसरा रणवीर कपूर की मोस्ट मच अवेटेड मूवी एनिमल का टीजर आना है। भाई दिल से बोल रहा हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं इन दोनों मूवी की अपडेट के लिए। तो पहले बात करेंगे ऑफकोर्स जानवर की। एनिमल के मेकर्स ने सॉलिड पोस्टर रिलीज किया है। रश्मिका मंदाना का यह पोस्टर के साथ जो टीजर का आगाज किया है भाई मजा आ गया। देखो सच बताऊँ तो इस पोस्टर को देखकर बहुत सी थ्योरी जनरेट हो रही है मेरे दिमाग में, जिनमें से एक दो को ब्रेक डाउन भी करेंगे। तो पहले बता दूं एनिमल मूवी का टीजर आना है 28 सितंबर को सुबह 10 बजे। तो आज ही, मैं तो कह रहा हूं अभी रिमाइंडर सेट करके बैठ जाओ ताकि आप इस जबरदस्त टीजर को मिस ना कर पाओ कहीं से भी। क्योंकि जब रणबीर कपूर का वो पंजाबी सॉन्ग के साथ खूनम खान वाला मासी एक्शन वाला जो रिवील किया था 40 सेकंड का जो क्लिप, दिल दहला दिया था बाय गॉड। एक टाइप से फर्स्ट लुक था वो एनिमल मूवी का, और जबरदस्त, मतलब वहां से हमें यह आंकड़ा या अंदाजा लग गया था कि यार मूवी में ना ये सीन बहुत देखने को मिलने वाले हैं, बहुत खूनम खान मतलब पूरा मासी होने वाली है मूवी, ये पहले ही पता लग गया हमें वो सीन देखकर। तब वो 40 सेकंड की क्लिप ने जो धूम मचाया था, तो अब तो सोचो टीजर आ रहा है तो टीजर में क्या क्या देखने को मिल सकता है। सच बताऊं तो बहुत एक्साइटेड हूं। दूसरा, अब बात करते हैं आज के पोस्टर की। भाई रश्मिका मंदाना का प्योर इंडियन कल्चर में विद सारी अमेजिंग लुक, पहले तो मैं कहूंगा बहुत सुंदर लग रही है वो। दूसरा, पॉजिटिव एंड निगेटिव का साइड देखने को मिल सकता है, कैसे रणवीर एज जानवर गैंगस्टर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, लेकिन लड़की बिल्कुल प्योर सीधी सादी संस्कारी बिल्कुल सिंपल। और टीज तो वहां उठ रही है क्योंकि इसका डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जिसने ऐसी जबरदस्त लव स्टोरी का टेस्ट हमें पहले ही चखा रखा है कबीर सिंह जैसी मूवी का। तो अब ना कहानी कुछ कुछ ये समझ में आ रही है कि रणबीर कपूर का एनिमल बनना जरूर एक ब्रोकन हार्ट लव स्टोरी का हाथ हो सकता है। माई प्रिडिक्शन नॉट स्टोरी लाइन, पहले ही बता दे रहा हूं ये हो सकता है एक एंगल उसका, तो मे बी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। और कहानी ना बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि दिल टूटा आशिक का जो कैरेक्टर पकड़ेंगे रणवीर कपूर, भाई ये बंदा खा जाएगा देखना, पूरा जानवर बन जाएगा बाय गॉड। जैसे कि मूवी का नाम है वैसा ही ये फटने वाला है। तो टीजर में ना बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, और मेकर साहब बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ा बढ़ा कर चल रहे हैं। सिंपल एनिमल मूवी की थीम का बेस पर ही पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। रणवीर को एज राउडी दमदार बंदा दिखा रहे हैं एकदम पावरफुल लोन वुल्फ टाइप में, और दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना का सिंपलिसिटी के साथ कल्चर रिच इमेज के साथ वाला लुक दिखा रहे हैं। तो बहुत प्यारा कॉम्बो होने वाला है मूवी में भी। ये मूवी एक्शन के साथ साथ 90s की लव स्टोरी का एक एंगल भी दिखाकर जाएगी डेफिनेटली, जिसके लिए बॉलीवुड एक्चुअली जाना जाता था। और एक्शन के साथ साथ इसकी स्टोरी में भी दम देखने को मिलने वाला है नो डाउट। 500 करोड़ से ऊपर तो इसे जाना ही जाना है, लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में जाना ही जाना है। और अगर साउथ और ओवरसीज का साथ मिल गया तो ये मूवी 1000 करोड़ कब टच कर जाएगी किसी को कानो कान खबर नहीं होगी बाय गॉड। इसी के साथ 25 सितंबर को अक्षय पाजी की रियल इवेंट पर बेस्ड फिल्म का ट्रेलर भी आना है, जिसका मोशन पोस्टर बहुत सॉलिड निकाला है आज मेकर्स ने। कौन सी मूवी? मिशन रानीगंज। पूरी कास्ट को इस पोस्टर में शो करते हुए मेकर ने आगाज कर दिया कि हम 6 अक्टूबर को सॉलिड फटने वाले हैं, जिसमें सपोर्टिंग में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत दिग्गज चेहरे हैं, नामी जानी चेहरे हैं लाइक रवि किशन, जमील खान, कुमुद मिश्रा जो सुल्तान में सलमान खान के कोच बने थे, पवन मल्होत्रा जी हैं जो भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के कोच बने थे, राजेश शर्मा है जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस तुमने तनु वर्स मन्नू जैसी दमदार मूवी में देख ही रखा है। तो कास्ट ना बहुत शानदार है और बहुत दमदार है, और तो मजा तो बहुत आने वाला है क्योंकि इतनी जबरदस्त कास्ट है। तो और रियल लाइफ इवेंट पर मूवी जो धमाल मचाती हैं इंडियन सिनेमा में या बॉलीवुड सिनेमा में,
वो मचाने के लिए तैयार देखने को मिल रही है। भाई मज़ा आ जाएगा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर आप लोग कितना एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी के लिए कितना, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। मैं तो दोनों ही मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और आप कौन सी मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।